हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिसपे हम 21 से लेकर 31 दिसंबर तक के छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हमने 1 और 2 जनवरी के करंट अफेयर को इंक्लूड नहीं किया है, उसे हम नेक्स्ट सीरीज में कंप्लीट करेंगे। आज की इस वीडियो में केवल हम दिसंबर एंड तक के करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। पीएससी प्री के लिए आपको दिसंबर तक के करंट अफेयर को ही पढ़ना है। कुछ जो एकदम हाईलाइटेड जो करंट अफेयर है, नेशनल इंटरनेशनल हो या छत्तीसगढ़ के हो, जो काफी हाईलाइट में रहता है, जैसे आपका चीफ ऑफ डिफेंस जो आपके नियुक्त हुए हैं, है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो नियुक्त हुए हैं बिपिन रावत जी, उनका नाम याद रखिए। ऐसे कुछ जो ज्यादा ही आपके न्यूज में जो हाईलाइट में रहेंगे, केवल उन्हीं लोगों को आपके जनवरी मंथ के करंट अफेयर में याद रखना है। बाकी आपको जो करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करना है सीजीपीएससी प्री को टारगेट करते हुए, उसे आप 31 दिसंबर तक एंड कर दीजिए, ठीक। इसके बाद के जो भी नए आएंगे उसको पढ़ने का कोशिश मत कीजिए। बहुत ज्यादा जो हाईलाइट में रहेंगे जो न्यूज, उन्हीं चीजों को पढ़िएगा। साथ ही साथ पिछले करंट अफेयर की वीडियो में जब आपका राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान किया गया था, तब मैंने आपको 2 पुरस्कारों का नाम बताया था। देखिए, जब राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान किया गया था, तब उसमें 23 पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी, और उसमें नीचे में लिख दिया गया था कि वीर नारायण सिंह सम्मान और आपका भंवर सिंह पोत्रे सम्मान, ये इस साल प्रदान नहीं किया जाएगा। लेकिन 2 दिन बाद न्यूज में आया था कि वीर नारायण सिंह सम्मान आपका गंगाराम पैकरा को और आपका भंवर सिंह पोत्रे सम्मान आपकी अभ्यारण्य शिक्षा समिति मुंगेली को प्रदान किया जाएगा। लेकिन समझिए, न्यूज़ में जरूर आया है कि वीर नारायण सिंह सम्मान और भंवर सिंह पोत्रे सम्मान से सम्मानित किया गया है गंगाराम पैकरा और अभ्यारण्य शिक्षण समिति को, लेकिन जो यदि आप ऑफिशियली साइट देखेंगे आपके छत्तीसगढ़ कल्चरल डिपार्टमेंट का, जिसमें सम्मान 2019 लिखा हुआ है, उसमें अभी तक इस वीर नारायण सिंह सम्मान और आपका भंवर सिंह पोत्रे सम्मान 2019 उसमें फिल नहीं है, यानी इसमें फिट नहीं है, उनके डिटेल उसमें दिए हुए नहीं है, ठीक। तो ऑफिशियली देखिए, मैंने उसको वीडियो में तो बताया नहीं था, लेकिन टेलीग्राम में मैंने जरूर शेयर किया था। तो जो भी टेलीग्राम चैनल फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ इन 2 को कैंसिल कर दीजिए। कौन कौन सा? वीर नारायण सिंह सम्मान 2019 और भंवर सिंह पोत्रे सम्मान आपका 2019, ठीक। अगर बाई चांस पूछा जाता है तो उसमें अगर गंगाराम पैकरा दिया हुआ है और आपका अभ्यारण्य शिक्षण समिति मुंगेली दिया हुआ है, तो आप उसे इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन कितने विभूतियों को सम्मानित किया गया पूछा जाएगा, तो उसको 23 ही लगाइएगा, क्योंकि ऑफिशियली वेबसाइट में छत्तीसगढ़ कल्चरल डिपार्टमेंट में इन दोनों नामों का और इन दोनों सम्मानों को अपडेट नहीं किया गया है, ठीक। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज्य। आप सभी को मालूम है कि अभी हाल फिलहाल में हमारे प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं। अब आपके जो आपके पंचायत चुनाव अब होंगे, ठीक, तो इस पंचायत चुनाव के लिए कुछ आपके अधिसूचना में कुछ डिटेल्स जो जारी किए गए हैं उसे देख लीजिए। सबसे पहले नंबर पर है आयु सीमा। आयु सीमा किसके लिए? पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला सदस्य, ठीक। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य या जिला सदस्य या जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य, किसी भी, देखिए जो चारों कैटेगरी बता रहा हूं, पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, सभी के लिए ये चुनाव लड़ने की जो आयु सीमा है वो होगी 21 वर्ष, याद रखिएगा। चारों के लिए, पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, सभी के लिए जो चुनाव लड़ने की जो आयु सीमा होगी, जो उम्मीदवार की जो आयु सीमा होगी, वो होगी आपकी 21 वर्ष। देखिए, सेकंड नंबर पर है आपकी प्रतिभूति निक्षेप राशि। प्रतिभूति निक्षेप राशि क्या होती है? ये होती है आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट या फिर जमानत राशि। देखिए, जो आपका जब नामांकन प्रारंभ होता है, तो नामांकन का फॉर्म भरने के साथ साथ जो आपके पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य है, उन्हें नामांकन पत्र के साथ साथ उन्हें शपथ पत्र, स्वहस्ताक्षरित पत्र और साथ ही साथ उन्हें ये सिक्योरिटी डिपॉजिट भी वहां जमा करना पड़ता है। इसी ही कहा जाता है आपके प्रतिभूति निक्षेप राशि, ठीक है। यदि हम पंच की बात करें, तो पंच के केस में उसे स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र जमा करना पड़ता है, और बाकी जो 3 सदस्य है, यानी आपका सरपंच, आपका जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य, उन्हें शपथ पत्र वहां पे जमा करना पड़ता है, ठीक। तो देखिए, तो इन्हें नामांकन भरते समय जो राशि जमा, इनके द्वारा जो राशि जमा की जाती है, उसे प्रतिभूति निक्षेप राशि, ठीक। एग्जैक्ट यदि हम वर्डिंग की बात करें, तो उसे प्रतिभूति निक्षेप धनराशि या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट या फिर जमानत राशि कहा जाता है, ठीक। तो पंच के लिए
पंच के लिए जो आपकी जमानत राशि है या प्रतिभूति निक्षेप राशि है वो है आपकी 50 रुपये, सरपंच के लिए है 1000 रुपये, जनपद पंचायत सदस्य के लिए है 2000 रुपये, जिला पंचायत सदस्य के लिए है 4000 रुपये। ठीक, पंच के लिए 50 रुपये, सरपंच के लिए 1000 रुपये, ठीक, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 2000 रुपये और जिला पंचायत सदस्य के लिए ये है आपका 4000 रुपये। ठीक, लेकिन अब समझिएगा, ये तो था आपके जनरल कैटेगरी के लिए। यदि ये पद आपके आरक्षित है यानी एसटी एससी ओबीसी उम्मीदवार यदि पंच सरपंच जनपद पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य चुनाव के लिए वो अपना नामांकन भर रहा है तो उसे समझिएगा किसे एससी एसटी ओबीसी और महिला वर्ग 4 लोग हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और आपकी महिला वर्ग, इन्हें इस जमानत राशि या प्रतिभूति निक्षेप राशि का 50% ही डिपॉजिट करना होगा। यानी अगर ये जो आरक्षित वर्ग है यानी एसटी एससी ओबीसी और महिला वर्ग है यदि वो पंच के लिए अपना नामांकन भर रही है तो उसे मात्र 25 रुपये डिपॉजिट करना पड़ेगा, सरपंच के लिए भर रही है तो उसे मात्र 500 रुपये डिपॉजिट करना पड़ेगा, जनपद के लिए 1000 रुपये, जिला के लिए 2000 रुपये, यानी 50%। ठीक, आप समझिए, मतदान पत्र जो आपके चुनाव होंगे वो चुनाव जो आपके यदि किसी एक व्यक्ति को है ना यदि वो आपके क्षेत्र के अंतर्गत आता है यदि उसे आपका वोट देने जाता है तो उसे 4 वोट देने पड़ेंगे, पंच के भी सरपंच के भी जनपद सदस्य के भी जिला सदस्य के भी। ठीक, एक बार में उन्हें 4 मतपत्रों में अपना मत देना पड़ेगा। तो समझिएगा जो आपके सरपंच पद के लिए जो आपका जो मत पत्र है सरपंच पद के लिए वो हो सॉरी जो आपका पंच पद ये पंच है ना जो आपके पंच पद के लिए जो आपका मत पत्र है उसका कलर होगा सफ़ेद, सरपंच पद के लिए जो आपका मत पत्र है वो होगा आपका नीला, जनपद जनपद पंचायत सदस्य ठीक उसके लिए जो मत पत्र है उसका रंग होगा आपका पीला और जिला पंचायत के लिए जो आपका मत पत्र है उसका रंग होगा गुलाबी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पीएससी ये प्रश्न पूछ चुका है मत पत्रों के कलर से मैच द फॉलोइंग सुमेलित कीजिए में आया था, याद रखिएगा पंच के लिए सफेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद के लिए पीला और आपका जिला के लिए गुलाबी। पिछले बार जब प्रश्न पूछा था तो यही कलर थे उस समय भी और इस बार भी वही कलर है। ठीक, सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, जितनी भी चीज़ें बताया हूँ इससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है, आयु से भी प्रश्न पूछा जा चुका है, मतपत्र से भी प्रश्न पूछा जा चुका है, सभी को याद रखिएगा, पंच के लिए सफ़ेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद के लिए पीला और आपका जिला के लिए गुलाबी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सॉफ्टवेयर पार्क आप सभी को है मालूम है कि ये हमारे प्रदेश में जो सॉफ्टवेयर पार्क है इसे विकसित किया जा रहा था कहाँ पर, आपके भिलाई शहर जिला दुर्ग में। तो ये आपका सॉफ्टवेयर पार्क अब ओपन हो चुका है, इसका नया भवन निर्मित हो चुका है, 5 कंपनी यहाँ आकर के अपना वर्क यानी अपना कार्य प्रारंभ कर चुकी है। ठीक, तो याद रखिएगा जो आपका सॉफ्टवेयर पार्क है वो आपका प्रारंभ हो चुका है कहाँ पर, आपके भिलाई शहर जिला दुर्ग। दूसरा है काजू अनुसंधान केंद्र जिसे हाल फिलहाल में बेस्ट सेंटर का अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन याद रखिएगा जो काजू अनुसंधान केंद्र है वो काजू अनुसंधान केंद्र मौजूद है आपके शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र जगदलपुर आपका बस्तर जिला के जगदलपुर में आपके शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र में मौजूद है आपका काजू अनुसंधान केंद्र। प्रश्न पूछा जाता है काजू अनुसंधान केंद्र किस जिले में मौजूद है, आपसे पूछेगा सरगुजा में मौजूद है, रायपुर में मौजूद है, भिलाई में मौजूद है या फिर बस्तर में मौजूद है, तो ऑप्शन बस्तर लगाइएगा। ठीक, अब देखिए 14वां नगर निगम प्रदेश का स्वतंत्र 14वां नगर निगम अब बन चुका है आपका रिसाली। दुर्ग जिले का रिसाली अब एक स्वतंत्र नगर निगम बन चुका है, इसके साथ ही अब प्रदेश में नगर निगम की संख्या हो गई है 14। प्रदेश में नगर निगम की संख्या हो गई है 14। देखिए ये रिसाली नगर निगम जो बना है, नया नगर निगम जो बना है वो किस जिले में है, आपके दुर्ग जिले में है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि जो रिसाली नगर निगम है वो किस जिले में है, वो है आपके दुर्ग जिले में। ठीक, देखिए इसे 14वां नगर निगम या एक स्वतंत्र नगर निगम बनाए जाने के लिए अधिसूचना जारी की गई है, वो जारी की गई है राजपत्र में प्रकाशित किया गया है आपका 27 दिसंबर 2019 को। 27 दिसंबर 2019 को इसे राजपत्र में प्रकाशित करके एक स्वतंत्र नगर निगम बना दिया गया है। ये जो आपका रिसाली नगर निगम है ये आपके भिलाई नगर निगम से अलग होकर के एक स्वतंत्र नगर निगम बना है।
देखिए, दुर्ग में पहले आपके तीन नगर निगम थे, दुर्ग में पहले आपके तीन नगर निगम थे, एक दुर्ग स्वयं, उसके बाद भिलाई, उसके बाद आता था भिलाई चरोदा। तो जो आपका भिलाई नगर निगम है उससे पृथक करके बनाया गया है आपका रिसाली नगर निगम। तो अब दुर्ग जिले में चार नगर निगम होंगे। इसी के साथ दुर्ग जिला प्रदेश का पहला ऐसा जिला होगा जहाँ पे चार नगर निगम है। कौन कौन से? रिसाली, दुर्ग, भिलाई और भिलाई चरोदा। ठीक, देखिए तो ये जो है आपका चौदहवां नगर निगम जो अधिसूचना यानी राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है 27 दिसंबर 2019 को, इसे याद रखिएगा, किस जिले में है? दुर्ग जिला में। नेक्स्ट है आपका 28वां जिला। आप सभी को मालूम है जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 15 अगस्त के अवसर पर जो आपका गोरेला पेंड्रा मरवाही है उसे एक नए जिले बनाए जाने की उन्होंने घोषणा की थी। ठीक, इससे पहले राजपत्र में प्रकाशित किया गया था कि जो गोरेला पेंड्रा मरवाही से संबंधित सीमाओं का, यानी उसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं में कौन कौन से आपके जो जिला की सीमा या आपकी मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है उसकी एक अधिसूचना जारी की गई थी और उसमें दावा आपत्ति की बात कही गई थी। तो दावा आपत्ति के लिए कुछ समय दिया गया था और अंतिम तौर पर अब राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है कि ये जो गोरेला पेंड्रा मरवाही है वो सृजित होगा आपका 10 फरवरी 2020 को, यानी इसे पूर्ण जिला का दर्जा मिलेगा। किस डेट को? आपका 10 फरवरी 2020 को, यानी 10 फरवरी 2020 को आपका गोरेला पेंड्रा मरवाही अस्तित्व में आएगा और 10 फरवरी 2020 के बाद से हमारे प्रदेश में जिलों की संख्या 27 से बढ़कर हो जाएगी 28। ठीक, देखिए नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप। वर्ल्ड स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जो कि एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप है, इसका आयोजन होने वाला है आपका इंडोर स्टेडियम रायपुर में। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में एक इंटरनेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन होने वाला है, वर्ल्ड स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप। स्टार्टिंग में ये आपका राजनांदगांव में होने वाला था लेकिन वहाँ की तैयारी पूर्ण न हो पाने के कारण इसका जो मेजबानी सौंपी गई थी आपके पुणे को, फिर पुणे से फाइनली इसे ट्रांसफर कर दिया गया है आपके रायपुर में। तो रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आपके वर्ल्ड स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप का आयोजन होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सुशासन। सुशासन यानी गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस की एक रैंकिंग नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है, सुशासन रैंकिंग जारी की गई है। ये सुशासन रैंकिंग क्या होता है? देश के यानी भारत के आपके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य शासन के स्तर या बेहतर शासन के स्तर का जो मूल्यांकन है उसका एक रैंकिंग जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा हर साल, समझिएगा। तो इस सुशासन के कंपोजिट रैंकिंग यानी कंप्लीट ओवरऑल, देखिए इसमें अलग अलग इंडेक्स के आधार पर होता है, जैसे कृषि एवं संबद्ध सेवाएं, व्यापार, पर्यावरण, मानव संसाधन, लोक स्वास्थ्य, न्यायपालिका, ऐसे अलग अलग कैटेगरी होती है। यदि इन सभी को ऐड कर दे यानी कंपोजिट रैंकिंग बोले, ओवरऑल सुशासन की रैंकिंग बोले, तो उसमें पहले स्थान पर है आपका तमिलनाडु, जिसे गुड गवर्नेंस रैंकिंग में जो आपके 5.62 अंक प्राप्त हुए। सेकंड नंबर पर है महाराष्ट्र, जिसे गुड गवर्नेंस की रैंकिंग में आपके 5.40 यानी 5.40 अंक प्राप्त हुए। और तीसरे नंबर पर है कर्नाटक, जिसे 5.10 यानी 5.10 अंक प्राप्त हुए। इसी सुशासन रैंकिंग में जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो है चौथे स्थान पर, जिसे गुड गवर्नेंस रैंकिंग में जो है आपके 5.05 अंक प्राप्त हुए। तो याद रखिएगा, सुशासन रैंकिंग में नीति आयोग द्वारा जारी सुशासन रैंकिंग में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। देखिए अभी जो गुड गवर्नेंस की जो रैंकिंग है वो अलग अलग कैटेगरी में भी इसकी रैंकिंग जारी की गई है। तो जो कृषि एवं संबद्ध सेवाएं हैं, कृषि एवं संबद्ध सेवाओं में हमारा छत्तीसगढ़ थर्ड पोजीशन पर है। किसमें? कृषि एवं संबद्ध सेवाओं की सुशासन रैंकिंग में। ठीक, देखिए मैं केवल छत्तीसगढ़ का बता रहा हूँ, अदर स्टेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और स्पेशली एक तो ओवरऑल रैंकिंग और दूसरा छत्तीसगढ़ की कृषि एवं संबद्ध सेवाओं वाली रैंकिंग, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, गुड गवर्नेंस रैंकिंग पूछ रहा है या सुशासन में कृषि एवं संबद्ध सेवाओं में छत्तीसगढ़ की स्थिति पूछ रहा है? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के लगाइएगा। कृषि एवं संबद्ध सेवाओं में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है, व्यापार एवं उद्योग में छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर है, पर्यावरण की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ 13वें स्थान पर है, मानव संसाधन विकास रैंकिंग में छत्तीसगढ़ 14वें स्थान पर है और लोक स्वास्थ्य की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ 14वें स्थान पर है। ठीक, तो ये रैंकिंग को थोड़ा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव जिसका आयोजन किया गया आपका 27 से लेकर के 29 दिसंबर 2019 तक। ठीक, 27 से 29 दिसंबर 2019 तक इसका आयोजन किया गया, कहाँ? साइंस कॉलेज प्रांगण में, साइंस कॉलेज के मैदान में आपके रायपुर जिला में। ठीक, तो इसमें लगभग छः देशों के और हमारे प्रदेश और हमारे भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के और जो आपके छः देशों के लगभग 1300 कलाकारों ने इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में उन्होंने भाग लिया। ठीक, देखिए
इसमें जो है पुरस्कार प्रदान किया गया, चार कैटेगरी में, चार वर्ग में पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रथम पुरस्कार यानी जो आपके इसमें देखिए, इसमें भी आपके अलग अलग कैटेगरी थी, चार वर्ग में पुरस्कार प्रदान किया गया, लेकिन विवाह के अवसर में अलग अलग, परंपरागत नृत्य अवसर में अलग। ठीक, देखिए उसको मैं फिलहाल यहाँ लिखा नहीं हूँ, लेकिन टेलीग्राम चैनल में मैं उसको अलग से बताया भी है। और इस आदिवासी नृत्य महोत्सव में कौन कौन से राज्य की कौन सी परंपरागत नृत्य, जो नृत्य की प्रस्तुति इस आदिवासी नृत्य महोत्सव में दी गई, उसका भी सूची मैंने आपका टेलीग्राम में डाल रखा है। ठीक है, तो उसे वहाँ से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे राज्यों के आपके उसमें नृत्य जो प्रस्तुत किएगा आपके राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में, उसकी पूरी की पूरी सूची है। सबको लिखने बैठूंगा तो यहाँ जगह कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो उसे वहाँ से देख लीजिएगा। तो इसके अंतर्गत हर वर्ग में आपके देखिए, जो प्रथम पुरस्कार में 20 लाख रुपए की राशि, द्वितीय पुरस्कार में 12 लाख रुपए की राशि और तृतीय पुरस्कार में 8 लाख की राशि प्रदान की गई। साथ ही साथ सांत्वना राशि प्रदान की गई आपकी 1 लाख रुपए। देखिए ये चौथा वर्ग था, चौथा वर्ग इन द सेंस देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद कुछ ऐसे रह जाते हैं जिनका जो प्रस्तुति काफी अच्छी रहती है, तो उसे सांत्वना के तौर पर अलग से राशि प्रदान की गई 1 लाख रुपए की। तो प्रथम के लिए 20 लाख, द्वितीय के लिए 12 लाख, तृतीय के लिए 8 लाख और सांत्वना राशि प्रदान की गई आपकी 1 लाख रुपए की। ठीक, देख लीजिए, जैसे स्पेशली अगर मैं ये प्रथम पुरस्कारों की बात करूं, ठीक समझिएगा, यदि मैं ये प्रथम पुरस्कारों की बात करूं तो इसमें देखिए, जैसे एक है आपके विवाह के अवसर विधा में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया आपके गौर माड़िया को, जो कि छत्तीसगढ़ की ही थी। उसके अलावा यदि हम बात करें जो पारंपरिक त्यौहार एवं अनुष्ठान नृत्य विधा, जिसका प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है आपके सिंगारी नृत्य उड़ीसा को, फसल कटाई या कृषि नृत्य विधा के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है कर्मा नृत्य बिहार को। उसके अलावा अन्य पारंपरिक नृत्य विधा, जिसके अंतर्गत बकड़वाल नृत्य उत्तराखंड को प्रदान किया गया है आपका प्रथम पुरस्कार। केवल मैं प्रथम पुरस्कार बता रहा हूँ, द्वितीय तृतीय और सांत्वना पुरस्कार नहीं बता रहा हूँ, तो केवल इन्हीं को ही याद रखिए स्पेशली। बाकी यदि आप लिस्ट देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल में जाकर के देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका मनरेगा। साथ ही साथ एक चीज याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव है, तो इसके अंतिम दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ये घोषणा की है कि जो आपका राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव है, ये अगले साल से आपके राज्योत्सव के दौरान ही आयोजित होंगे। 5 दिवसीय आपका राज्योत्सव कार्यक्रम आयोजित होगा। इस 5 दिवसीय राज्योत्सव कार्यक्रम में शुरू के जो 2 दिन है उसमें स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे, और अंतिम के जो 3 दिन है उसमें ये राष्ट्रीय आदिवासी यानी भारत से और विदेशों के जो कलाकार है वो प्रस्तुति देंगे। ठीक, नेक्स्ट समझिएगा, मनरेगा। मनरेगा में आपका 100 दिन का रोजगार दिवस, देखिए मनरेगा के अंतर्गत जो इस अधिनियम में बात कही गई है उसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 100 दिन का निश्चित रोजगार मुहैया कराया जाएगा। राज्य शासन चाहे तो 100 दिन से अतिरिक्त रोजगार दिवस भी प्रदान कर सकती है, लेकिन उस अतिरिक्त रोजगार दिवस का जो भुगतान है उसे राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा। यानी जो 100 दिन का रोजगार है वो केंद्र सरकार वहन करती है इसका व्यय, और 100 दिन से अतिरिक्त जो रोजगार है उसका व्यय वहन करता है आपका राज्य सरकार। तो देखिए छत्तीसगढ़ में वैसे आपके 150 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है, लेकिन जो अधिनियम के अंतर्गत जो बात कही गई है प्रत्येक परिवार को 100 दिन का निश्चित रोजगार प्रदान किया जाएगा, तो इस 100 दिन के देखिए ओवरऑल इंडिया में कहीं पर भी हो कम से कम 100 दिन का मनरेगा के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को रोजगार देना आवश्यक है। ठीक, तो ये 100 दिन की रैंकिंग जारी की गई है, 100 दिन का निश्चित रोजगार। तो इस मनरेगा के अंतर्गत जो अधिनियम में जो 100 दिन के निश्चित रोजगार की बात कही गई है, तो उसी कैटेगरी में राजस्थान जो राज्य है वहां पर आपके 2.58 लाख परिवार, 2.58 लाख परिवारों को 100 दिन का निश्चित रोजगार प्रदान किया गया। सेकेंड नंबर पर है आंध्र प्रदेश, जहां पे 1.65 लाख परिवार को, ठीक यानी 1.65 लाख परिवार को या 1,65,000 परिवारों को आपका 100 दिन का निश्चित रोजगार प्रदान किया गया। और तीसरे नंबर पर है तेलंगाना, जहां पे 1.13 लाख परिवार, 1.13 लाख परिवारों को 100 दिन का निश्चित रोजगार प्रदान किया गया। और चौथे नंबर पर है आपका छत्तीसगढ़, जहां पर 83,436 परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया गया। ठीक, यानी छत्तीसगढ़ 100 दिन के निश्चित रोजगार दिए जाने के मामले में चौथे स्थान पर है।
यदि हम केवल छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इस 83,436 परिवारों में जो 100 दिन का रोजगार प्रदान किया गया, तो उसमें सर्वाधिक जो आपके परिवार मौजूद है आपके सूरजपुर में 9,436 परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया गया। सेकंड नंबर पर है कबीरधाम, जहां पे 7,681 परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया गया। और तीसरे नंबर पर है बिलासपुर, जहां पर 6,779 परिवारों को 6789 परिवारों को आपका 100 दिन का निश्चित रोजगार प्रदान किया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काम आएगा, स्पेशली ये फोर्थ रैंकिंग को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मतदान प्रतिशत सर्वाधिक। आप सभी को मालूम है अभी हाल फिलहाल में आपके निकाय चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुए। लगभग 151 नगरीय निकायों में यह चुनाव संपन्न हुआ। देखिए आपको एक पॉइंट और बता रहा हूं, जो आपका जो नगरीय निकाय चुनाव, टोटल 151 नगरीय निकायों में ये चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें 10 नगर निगम, 38 नगर पालिका परिषद और आपका 103 नगर पंचायत थे। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो नगर पालिका केवल 10 थी, 3 नगर पालिकाओं में चुनाव नहीं हुए। कौन कौन से नगर पालिका में चुनाव संपन्न नहीं हुए? आपका एक है भिलाई चरोदा और बिरगांव। जब इसकी अधिसूचना जारी की गई थी तो उसमें एक बात और कही गई थी कि ये जो है आपके जो 3 नगर निगम बचे हुए, कौन कौन से? भिलाई चरोदा और बिरगांव, तथा साथ ही साथ जो प्रक्रियाधीन जो नगर निगम है रिसाली, इसमें अगले साल चुनाव होंगे। यानी अब ये बन चुका है आपका एक स्वतंत्र नगर निगम, तो ये जो 4 नगर निगम है इसमें चुनाव अगले साल होंगे। कौन कौन से? रिसाली, भिलाई चरोदा और बिरगांव। इनका नाम याद रखिएगा, इनको अलग से पूछ सकता है। ठीक, तो देखिए जो आपके निकाय चुनाव संपन्न हुए उसमें जो मतदान हुए, सर्वाधिक मतदान या मतदान कितने हुए समझिएगा। तो जो ओवरऑल नगरीय निकाय की बात करें, यानी जो आपके 151 नगरीय निकायों में जो कंप्लीट जो आपके मतदान का प्रतिशत रहा, वो रहा आपका 78.73%, यानी 78.73%। ठीक, यदि हम अलग अलग कैटेगरी में देखें तो सर्वाधिक मतदान कहाँ हुआ, यदि निकाय चुनाव की बात करें तो जिसमें धमतरी जिला छत्तीसगढ़ के पूरे 27 जिलों में निकाय चुनाव में जो सर्वाधिक मतदान हुए वो है आपके 86.62%, 86.62% के साथ है आपके धमतरी जिला। यदि हम नगर निगम की बात करें, 10 नगर निगम जिसमें चुनाव संपन्न हुए, उसमें राजनांदगांव में आपके सर्वाधिक, राजनांदगांव नगर निगम में सर्वाधिक आपके मतदान हुए 76.95%, यानी 76.95% के साथ। तीसरे नंबर पर है नगर पालिका परिषद, यानी जो 38 नगर पालिका परिषद में जो चुनाव हुए उसमें जो चुनाव हुए, देखिए उसमें जो कटघोरा है, कटघोरा में सर्वाधिक यानी 85.80% आपके मतदान हुए। फिर है नगर पंचायत, यानी जो 103 नगर पंचायतों में जो चुनाव हुआ उसमें जो सर्वाधिक मतदान पड़े हैं वो है आपके भखारा, ये भी आपके धमतरी के अंतर्गत आता है भखारा, जहां पे 93% आपके मत पड़े हैं, यानी सर्वाधिक मतदान हुए हैं भखारा में। ठीक, तो ये सिक्वेंस को थोड़ा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नत्थू रामटेके, जिनका उपनाम था आपके नत्थू दादा, इनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ। किनका? नत्थू दादा का। पूरा नाम क्या है? नत्थू रामटेके। इन्होंने राज कपूर, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जैसे बड़े आपके बॉलीवुड कलाकारों के साथ इन्होंने काम किया। इन्हें जो नत्थू दादा का टाइटल मिला था, इन्हें जो आपके राज कपूर की जो फिल्म थी आपकी मेरा नाम जोकर, वहां से इन्हें नत्थू दादा का जो टाइटल मिला हुआ था। तो ये बॉलीवुड में काम किए हुए है, ये एक बौने व्यक्ति थे, यानी एक बौने व्यक्ति का किरदार ये निभाते थे। तो ये जो है इनका हाल फिलहाल में निधन हुआ, ये आपके रामपुर राजनांदगांव जिला के रामपुर से संबंधित थे। नाम याद रखिएगा, नत्थू रामटेके किस क्षेत्र से संबंधित थे पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा यह एक अभिनेता थे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, रीना कंगाले, जिन्हें प्रदेश की पहली महिला मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। समझिएगा, पदाधिकारी है ये, आयुक्त नहीं है, प्रदेश की मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं है, ये पदाधिकारी है। आयुक्त और पदाधिकारी में डिफरेंस होता है। ठीक, तो याद रखिएगा, ये जो रीना कंगाले है इन्हें प्रदेश की पहली महिला मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए,
सिंचाई विकास प्राधिकरण, सिंचाई विकास प्राधिकरण अभी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने प्रदेश में आपके सिंचाई विकास प्राधिकरण का गठन किए जाने की घोषणा की है। इसका जो मुख्य कार्य रहेगा, इस जो प्राधिकरण का मुख्य कार्य रहेगा, ये रहेगा भूजल संवर्धन और सिंचाई की नवीन योजनाओं का सृजन। ठीक है, देखिए क्या होता है कि हमारे प्रदेश में जो किसानों मेन आपका जो हमारा प्रदेश है वो कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ पर जो किसान है वो आज के डेट में भी किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग आपकी बारिश पर, जो आपके मौसमी आधार पर जो बारिश होती है उस पर निर्भर करता है। हमारे प्रदेश की यदि हम बात करें तो यहाँ पे निर्मित सिंचाई क्षमता है, प्रदेश की जो निर्मित सिंचाई क्षमता है वो है आपकी 20.88 लाख हेक्टेयर यानी 20.88 लाख हेक्टेयर। ठीक, यानी ये इसकी निर्मित सिंचाई क्षमता, निर्मित सिंचाई क्षमता इन द सेंस यानी हमारे पास इतने डैम मौजूद है, डैम में इतने पानी हमने रोक करके रखा है, इतनी नहरें हमने बना के रखे हैं, इतने एनीकट हम बना के रखे हैं कि हम लगभग 20.88 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित कर सकते हैं। लेकिन देखिए इतना पानी हमारे पास स्टोर जरूर है लेकिन ये सिंचाई के लिए कार्य नहीं, सिंचाई के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आप डैम का पानी स्टोर तो कर सकते हो लेकिन इसे हर एक कोने कोने तक पहुंचा पाना पॉसिबल नहीं होता, उसके लिए नहरों का निर्माण किया जाता है। ठीक, या एनीकट है तो एनीकट से छोटे छोटे नालियां निकाली जाती है कि किसानों के खेत तक हर एक कोने तक वहां तक पानी पहुंचा पाना पॉसिबल नहीं होता। ठीक, तो ये जो आपकी निर्मित सिंचाई क्षमता आपकी 20.88 लाख हेक्टेयर जरूर है लेकिन वास्तविक सिंचाई देखा जाए तो हमारे प्रदेश में आपके 10.38 लाख हेक्टेयर 10.38 लाख हेक्टेयर भूमि ही सिंचित होती है, जो कि कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र 18% है। यानी प्रदेश में जो कृषि योग्य भूमि मौजूद है उसका मात्र 18% यानी 10.38 लाख जो आपका हेक्टेयर जो भूमि है, कृषि भूमि है, केवल उतनी भूमि ही सिंचित हो पाती है। हमारे पास निर्मित सिंचाई क्षमता ज्यादा जरूर है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाता, यानी किसानों तक इसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा। तो इसके लिए गठित किया जा रहा है आपका सिंचाई विकास प्राधिकरण, जो कि आपके भूजल संवर्धन, जो आपके भूमि के अंतर्गत जो आपका जल स्टोरेज है उसको बचाए रखने के लिए, साथ ही साथ सिंचाई की नवीन योजनाओं का, यानी जो हमारे पास निर्मित सिंचाई क्षमता है उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे पहुंचाया जा सके, उसके लिए इस सिंचाई विकास प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है ये दोनों डाटा, याद रखिएगा, ये आपको मेन सेंसर राइटिंग में काम आएंगे, प्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्री के लिए आपकी निर्मित सिंचाई क्षमता या सृजित सिंचाई क्षमता 20.88 लाख हेक्टेयर है, इतना इंपॉर्टेंट है बस आपके लिए। तो जो भी डाटा बताया गया है सारे डाटा इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, किसी प्रकार डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।